अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स विद फेरोज शाह। आज इस वीडियो में हम मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 सेकेंड ईयर फिजिक्स के पीएमसी सिलेबस के टॉपिक्स के मेन पॉइंट्स और एमसीक्यूज पढ़ेंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कहा कि सर नल पॉइंट्स पे वीडियो बना दो, स्लोप पे वीडियो बना दो, प्रोजेक्टाइल के एमसीक्यूज पे बना दे। बाज ने कोलिजन का कहा है, बाज ने ऑसिलेशन का कहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो माई डियर स्टूडेंट, रियली सॉरी, मेरा दिल तो चाहते हैं आप सब जो भी बात करें मैं वो पूरी करूं, लेकिन ऑर्डर मैटर्स। तो जिसकी रिक्वेस्ट थोड़ी लेट हो रही है उसकी वजह है क्योंकि उससे पहले ऑलरेडी रिक्वेस्ट आ चुके हैं। सो मैं ऑर्डर को देखकर ही वीडियो अपलोड करूंगा और जितना मैक्सिमम पॉसिबल होता है मैं ट्राई करता हूँ कि जल्दी अपलोड करूँ। अगर कुछ कमी बेशी रह जाए तो उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, उम्मीद है आप खफा नहीं होंगे। सो लेट मी स्टार्ट। मेन पॉइंट्स एंड एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 18 मॉडर्न फिजिक्स। ये पीएमसी के सिलेबस में इंटेल मॉडल ऑफ फोटॉन लिखा है या पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन लिखा है। सो माय डियर स्टूडेंट, इसमें जो मेन पॉइंट्स शामिल हैं वो है, नंबर वन, आपको क्लियर होना चाहिए प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी इसमें शामिल है। जो दूसरे नंबर पे टॉपिक शामिल है माय डियर स्टूडेंट्स वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो तीसरे नंबर पे शामिल है वो है कॉम्पटन्स इफेक्ट, और जो फोर्थ नंबर पे टॉपिक शामिल है वो है, ये तीन शोअर है, यही थ्री शोअर है जनाब। और अब ऑप्शनल आपको लिस्ट बताता हूं कि जो ऑप्शनल टॉपिक है वो कौन कौन से हैं। ऑप्शनल टॉपिक में पेयर प्रोडक्शन है और पेयर इनहेलेशन है, और द लास्ट वन जो शामिल है जिससे पिछली बार एक क्वेश्चन भी आया था पिछले पेपर में, लेकिन ऑप्शनल है, सिलेबस में नहीं है, केबिन और मार्क सिलेबस में नहीं, ऑप्शनल है, इनडायरेक्टली लिटिल बिट टच है सिलेबस के टॉपिक्स में, और वो है डी ब्रॉगली आइडिया। सो मैं कोशिश करूंगा इस लेक्चर में सबको टच करूं और सारे मेन पॉइंट्स आपको बता दूं जितने भी पॉसिबल हो, बिकॉज यू आर ऑल्सो एंड ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ द टेस्ट, यू आर गोइंग टू फेस द टेस्ट वेरी सून। तो दैट्स वाई मैं कोशिश करता हूं कि आप ये वीडियो आप देखें तो मॉडर्न फिजिक्स आपको फुल स्ट्रेंथ फायदा दे दें। चले स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है, इसमें सारे मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूं, फिर उसके कुछ एमसीक्यूज आपके लिए करता हूं। फर्स्ट पॉइंट जो आपके जहन में होना चाहिए कि इट सपोर्ट्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये लाइट के पार्टिकल नेचर पे बात करता है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी वो पहला एविडेंस था जिससे साबित हुआ कि लाइट के अंदर पार्टिकल्स हैं, वेव्स नहीं है। और ये बात याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि पार्टिकल नेचर को डिस्क्रीट नेचर भी बोलते हैं। सो क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है, इट वाज द फर्स्ट प्रूफ ऑफ डिस्क्रीट नेचर ऑफ लाइट। इस थ्योरी में जो मेन बातें हैं वो ये है कि जो रेज ऑफ लाइट है, ये रेज ऑफ लाइट है, फर्स्ट करो, इट इज अ लाइट रे ऑफ लाइट। तो इस थ्योरी में जो पहला पॉइंट था वो ये था कि रेज ऑफ लाइट में वेव नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि इसमें एनर्जी से भरे हुए पैकेट्स हैं। रेज ऑफ लाइट में जो है वो उसमें पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं। द रेज ऑफ लाइट आर कंपोज्ड ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इसमें पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, प्योर एनर्जी इस पैकेट के अंदर और कुछ नहीं सिवाय एनर्जी के, इसके अंदर सिर्फ एनर्जी है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि ईच पैकेट एक्ट लाइक पार्टिकल। हर पैकेट ऐसा है जैसे कोई पार्टिकल हो, इसका इंटरेक्शन पार्टिकल से मिलता जुलता है। ये एक और पॉइंट था इसमें।
रे ऑफ लाइट के अंदर एनर्जी के पैकेट्स हैं और हर पैकेट एक पार्टिकल की तरह है. द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी इज दैट एनर्जी इन वन पैकेट एक पैकेट की जो एनर्जी है वो एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ. एक पैकेट में जो एनर्जी है वो एच एफ के बराबर है और एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है. आप जानते हैं, आपको पता होगा दैट एच प्लैंक कांस्टेंट 6.63 × 10⁻³⁴ जूल इनटू सेकंड इसकी वैल्यू है और एफ जो है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी है. और आप जानते हैं कि मुख्तलिफ लाइट की फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ होती है. ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, रेड लाइट की कम है, ऑरेंज लाइट की रेड से ज्यादा, ब्लू से कम है. इस तरह वायलेट लाइट की ब्लू से भी ज्यादा है, रेड से भी ज्यादा है, येलो से भी ज्यादा है. गेमा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और रेडियो रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, या माइक्रो रेस की. एनीहाउ, रेज ऑफ लाइट के अंदर पार्टिकल्स पैकेट्स हैं एनर्जी के. हर पैकेट पार्टिकल की तरह है. एक पैकेट में एनर्जी एच एफ के बराबर है. यानी द एनर्जी ऑफ वन पैकेट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. प्लैंक क्वांटम थ्योरी से हमें और जो पॉइंट्स मिलते हैं वो पॉइंट्स ये हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कि कहा गया है इस थ्योरी में दैट वी आर डीलिंग पॉइंट्स ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी. ये कहा गया है कि जो नंबर ऑफ पैकेट्स हैं वो इंटेंसिटी को शो करते हैं. नंबर ऑफ पैकेट रिप्रेजेंट्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट. यानी एक रे में कम पैकेट्स हैं तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, दूसरे रे में ज्यादा पैकेट्स हैं तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी. जबकि याद रखना कि जो साइज ऑफ पैकेट है, साइज ऑफ पैकेट फ्रीक्वेंसी शो करता है. साइज ऑफ पैकेट रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, या फ्रीक्वेंसी से ताल्लुक रखता है. यानी अगर मैं कहूं कि ये एक रे है, लाइट का रे नंबर वन है, ये रे नंबर टू है, और ये है माय डियर स्टूडेंट रे नंबर थ्री, और ये है लाइट का रे नंबर फोर. रे नंबर वन, रे नंबर टू, रे नंबर थ्री, रे नंबर फोर. इसमें एनर्जी के पैकेट्स का साइज इतना है, 1, 2, 3, 4, 5 बना लिए मैंने पैकेट्स. इसमें भी एनर्जी के पैकेट का साइज उतना ही है. साइज सेम है. इधर एनर्जी के पैकेट्स का साइज जो है थोड़ा चेंज हो गया और यहां पर जो है यहां साइज सेम, यहां तादाद सेम ले लेते हैं. अब 1, 2, 3, 4 को गौर से देखें. इन दोनों में साइज ऑफ पैकेट सेम है. अगर साइज ऑफ पैकेट सेम है तो याद रखना इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी और इन दोनों का वेवलेंथ भी सेम होगा. फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, वेवलेंथ भी. साइज ऑफ पैकेट और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है और साइज ऑफ पैकेट और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है. ठीक है, अब दोनों का साइज सेम तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम, लेकिन इसमें पैकेट्स 1, 2, 3, 4, 5 हैं और इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो पैकेट्स की तादाद में फर्क है तो इंटेंसिटी इनकी डिफरेंट होगी. इनकी इंटेंसिटी जो है वो डिफरेंट होगी. ओके, गुड. फर्दर मोर, अगर मैं कहूं कि 3 और 4 को देखिएगा, इन कंपेरिजन करें तो साइज में फर्क है. इधर साइज ऑफ पैकेट अलग है, इधर साइज ऑफ पैकेट अलग है. तो आप कहें सर इनकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी और इनका वेवलेंथ भी डिफरेंट होगा. जिसका साइज ऑफ फोटॉन या पैकेट बड़ा है उसका वेवलेंथ कम होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और जिसका साइज ऑफ पैकेट और फोटॉन छोटा है वेवलेंथ उसका ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी. लेकिन तादाद देखे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दोनों में सेम नंबर ऑफ पैकेट्स हैं तो दोनों रेस की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी. दीज आर डिफरेंट पॉइंट्स अबाउट प्लैंक क्वांटम थ्योरी. प्लैंक क्वांटम थ्योरी के कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं.
फिर हम या चलिए एमसीक्यूज लास्ट में कर लेते हैं सबके मिक्स करके। अब नेक्स्ट टॉपिक की आपको मेन पॉइंट्स बताता हूं और वो है जनाब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पहला पॉइंट क्या है, इट इज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। The ejection of electrons from metal surface by light is called photoelectric effect. Einstein ने किया perform या explain किया Einstein ने, और ये second evidence of particle nature of light था। इससे भी साबित हुआ कि light के अंदर packets of energy है, यानी particles है, waves नहीं है। Idea ये है कि फर्ज करो ये एक metal है और इस मेटल के सरफेस में इलेक्ट्रॉन है। जब आप इस पर लाइट का रे फेंकते हो तो जैसे ही ये रे इससे टकराता है इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। ये रे जब टकरा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जिस एपरेटस में ये होता है उसे फोटोसेल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाए इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन से जो करंट पैदा होता है, द करंट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। प्रोसेस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड आल्सो द करंट प्रोड्यूस बाय दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आइडिया नंबर टू। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे आइडियाज डिस्कस करते हैं, मेन आइडियाज। सेकेंड आइडिया ये है, The mechanism of ejection is collision. The mechanism of ejection of electrons is collision. The principle of ejection is collision. इसका मतलब क्या है, यानी ये electrons हैं metal के surface में, और metal के surface में electrons से जब light टकराता है तो दरअसल light के अंदर energy का packet होता है, और वो पैकेट एक पार्टिकल की तरह होता है, और टारगेट इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है। तो जब पार्टिकल पार्टिकल पर गिरता है तो दोनों के दरमियान जो प्रोसेस होता है वो कोलिजन होता है, और कोलिजन में अक्सर टारगेट को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। दूर एक पार्टिकल एक बॉल पड़ा है और मैं यहां से एक पत्थर उस पर फेंकूं, सो मोस्ट प्रोबेबल यही है कि बॉल या टारगेट अपनी जगह छोड़कर चला जाए। तो जब फोटॉन का पार्टिकल लाइट का पार्टिकल एनर्जी का पैकेट इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करता है तो इंटरेक्शन कोलिजन है, और इस कोलिजन में फोटॉन अपना सब कुछ खो देता है और इलेक्ट्रॉन को टारगेट समझकर बाहर निकाल लेता है। तो द मैकेनिज्म द प्रिंसिपल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कोलिजन। आइडिया नंबर थ्री, ये जो इजेक्शन होता है मेटल से इलेक्ट्रॉन का, ये हर फ्रीक्वेंसी पर नहीं होता। ऑल फ्रीक्वेंसीज कैन नॉट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। सारी फ्रीक्वेंसीज इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं करते, एक खास फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद फिर सब फ्रीक्वेंसी से होते हैं। क्या मतलब है, इस आइडिया का मतलब क्या है, यानी आपने मिनिमम फ्रीक्वेंसी ट्राई की, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट इस पर फेंका तो नो इजेक्शन नहीं हुआ। फिर आपने फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दी, फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा हो गई, फिर भी नो इजेक्शन, कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। आप भी जिद पे अड़े हो और आपने फ्रीक्वेंसी ज्यादा करते गए, अचानक एक खास फ्रीक्वेंसी आई जिसे एफ नॉट से जाहिर करते हैं, और इस पे फर्स्ट टाइम इजेक्शन हुआ। इससे पहले इजेक्शन नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम इजेक्शन हुआ। इसके बाद जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ थ्री डैश एंड सो ऑन, उन सब पर इजेक्शन होगा। यस, अब याद रखना कि जिन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे इजेक्शन नहीं हुआ उन फ्रीक्वेंसीज को बोलते हैं नॉन फोटो फ्रीक्वेंसीज।
वो फोटो फ्रीक्वेंसीज नहीं है, और जिस फ्रीक्वेंसी से इजेक्शन शुरू हुआ, जिससे इजेक्शन का आगाज हुआ, दैट इज कॉल्ड थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको बोलते हैं थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसके बाद जितने फ्रीक्वेंसीज हैं, दे आर कॉल्ड फोटो फ्रीक्वेंसीज, दे आर कॉल्ड फोटो फ्रीक्वेंसीज। तो फोटो फ्रीक्वेंसीज जिनसे इजेक्शन होता है, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिससे इजेक्शन शुरू होता है, और थ्रीशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसीज आर नॉन फोटो फ्रीक्वेंसीज। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये याद रखना, ये मेटल के नेचर पे डिपेंड करती है। ये थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल के नेचर पे डिपेंड करती है। बाज मेटल्स के लिए थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होती है, और बाज मेटल्स के लिए थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होती है। पॉइंट नंबर 4, वी आर डीलिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। माई डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पॉइंट नंबर 4 ले लेते हैं, और पॉइंट नंबर 4 है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, एंड इट इज डिनोटेड बाय फाइ। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट करो, ये मेटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और आप लाइट के अंदर एक पैकेट ऑफ एनर्जी भेज रहे हो, एक पैकेट ऑफ एनर्जी भेज रहे हो, फोटॉन पैकेट ऑफ एनर्जी पेंका के, ये चले जाओ इजेक्टर, उस इलेक्ट्रॉन को वहां क्या कर रहा है, हमें उसकी जरूरत है। तो पैकेट ऑफ एनर्जी या फोटॉन या लाइट का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की तरफ आ रहा है, लेकिन याद रखना ये इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से फी सबीलिल्लाह बाहर नहीं जाएगा। ये इंतजार में नहीं है कि आओ बस हाथ पकड़ो ले जाओ, ऐसा नहीं होता। आपको इस पे वर्क करना पड़ता है, अपना कुछ देना पड़ता है, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन आपके साथ चलेगा। यानी इस इलेक्ट्रॉन को मैटर से बाहर निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्या होता है? एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट दिस इलेक्ट्रॉन, और जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमारे स्टूडेंट, उस एनर्जी का नाम आइंस्टाइन मोहतरम ने रखा है वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाय फाइ। फर्ज करें इस फोटॉन के वजूद में, फर्ज करें ये पूरा पैकेट 100 जाउल का है, फर्ज करो 100 जाउल का है, और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए 30 जाउल चाहिए, 30 जाउल, तो वर्क फंक्शन 30 जाउल होगा। यानी फोटॉन अपने 100 में से 30 जाउल वर्क फंक्शन में खर्च करेगा तो इलेक्ट्रॉन उसके साथ जाने को तैयार होगा या निकलने को तैयार होगा। The value of energy required to eject electron is work function. Mathematically, this work function is equal to hf naught. और h तो constant है प्लैंक का, और f naught threshold frequency है। थोड़ी देर पहले हमने कहा कि threshold frequency nature of metal पे depend करती है। ये nature of metal पे depend करती है, बिल्कुल करती है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क फंक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल। मतलब ये हुआ कि अगर मेटल जिंक का है तो अलग एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च होगी, कॉपर का है तो अलग एनर्जी खर्च होगी, एल्यूमिनियम का है तो अलग, अगर स्टील का है तो अलग एलॉय ऑफ मेटल, अगर आयरन का है तो अलग, और अगर गोल्ड का है तो अलग, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। मुख्तलिफ मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए आपको अलग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी फोटॉन से। वर्क फंक्शन आप समझ गए। द पॉइंट नंबर 5 अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रिमेनिंग एनर्जी ऑफ फोटॉन, फोटॉन या लाइट पार्टिकल या पैकेट ऑफ एनर्जी या क्वांटा, चार नाम है,
पैकेट ऑफ एनर्जी, पार्टिकल ऑफ लाइट, फोटॉन या क्वांटा, चार नाम है। रिमेनिंग एनर्जी ऑफ फोटॉन बिकम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। रिमेनिंग एनर्जी ऑफ फोटॉन बिकम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये फोटॉन अपने साथ 100 जोल ला रहा था, 30 जोल इसने इजेक्शन में लगा दिया, 30 जोल खर्च करने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आया, तो इसके वजूद का 30 जोल मिसिंग है, 30 जोल इसके वजूद का खत्म हो चुका है, 30 जोल फिनिश्ड। तो ये जो बकिया 70 जोल है, ये इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। इसका मतलब है कि अगर 100 जोल का फोटॉन मेटल पर गिरेगा और उसमें 30 जोल इजेक्शन में लगा, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 70 होगी। अगर 1000 जोल का फोटॉन आएगा और 100 जोल इजेक्शन में लगाएगा, तो 900 इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। सो द रिमेनिंग विल बिकम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। पॉइंट नंबर 6, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पॉइंट नंबर 6 है। और पॉइंट नंबर 6 माय डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि फोटॉन की जो टोटल एनर्जी है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, और एक हिस्सा बन गया है वर्क फंक्शन और एक हिस्से से बन गई है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। फोटॉन की एनर्जी होती है HF, वेयर F इज द फ्रीक्वेंसी यूज्ड। आप फोटो फ्रीक्वेंसीज में कोई भी फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हो, थ्रेशोल्ड से ज्यादा। वर्क फंक्शन HF0, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है EV0। E is charge of electron, और V0 is stopping potential. V0 is stopping, ये stopping potential है। जब electron metal से बाहर आ जाता है, तो इस electron के साथ kinetic energy होती है। अगर आप चाहते हो तो कि इस electron की kinetic energy को measure करो, मालूम करो, तो simple तरीका है, आप इसमें यहां से एक reverse voltage apply करते हो, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हो, इस इलेक्ट्रॉन को रोकते हो और इस रिवर्स वोल्टेज को थोड़ा थोड़ा ज्यादा करते हो, तो रिवर्स वोल्टेज में जो वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को रोक ले, उस वोल्टेज को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड इट इज डिनोटेड बाय V0। याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो फिर ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल से उसके रोका जाएगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो कम वोल्टेज चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। तो बच्चों का क्वेश्चन है, आइडिया है, सिंपल है, स्लो बॉडी आ रही है तो रोकने के लिए आपको पोटेंशियल भी कम चाहिए, फास्ट आ रही है ज्यादा करंट, तो ज्यादा पोटेंशियल लगेगा आपको रोकने के लिए। सिमिलरली जब चार्ज इलेक्ट्रॉन को रोका जाता है तो हम नहीं रोकते, वोल्टेज रोकता है। अगर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से जाएगा तो रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, एंड सो ऑन। सो आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। हकीकत में मैं उल्टा लिखा, बट टाइमिंग आप कह सकते हो, असल में स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। और जब कॉन्स्टेंट लगाते हो तो लेफ्ट और राइट पे ई लगा लेते हो, क्योंकि ई बैलेंस द डायमेंशंस। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हुआ। पॉइंट नंबर 7 अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पॉइंट नंबर 7 क्या है? पॉइंट नंबर 7 ये है कि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो वो लाइट ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, और अगर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो वो लाइट कम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। पॉइंट नंबर एट है माय डियर स्टूडेंट्स कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज या डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। It depends upon frequency of light. अगर आप incident light की frequency बढ़ाओगे, intensity नहीं बढ़ाओगे, तो ejected electrons की तादाद तो सेम रहेगी, लेकिन उनकी energy ज्यादा होगी। जब वो eject होंगे तो उनकी energy ज्यादा होगी। Next हमारा topic है photoelectric effect के बाद,
वो है माय डियर स्टूडेंट कॉम्पटेंस इफेक्ट। कॉम्पटेंस इफेक्ट का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसका पहला आइडिया ये है कि इट वाज द थर्ड एविडेंस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इसमें क्या हुआ था, कॉम्पटन ने एक फोटॉन लिया जिसके बारे में शक था कि पार्टिकल है या वेव है, तो इसने इस फोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन पर फेंका। जब इलेक्ट्रॉन और फोटॉन ने इंटरेक्शन किया तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ चला गया और ये फोटॉन दूसरी तरफ चला गया, इस तरफ चला गया। इनिशियल डायरेक्शन के साथ फोटॉन का एंगल थीटा होता है, फोटॉन का एंगल थीटा होता है। कॉम्पटन ने प्रूफ किया कि जनाब इलेक्ट्रॉन से टकराने से पहले फोटॉन की एनर्जी कम होती है, सॉरी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद एनर्जी कम हो जाती है। तो गोया उसने ये बात साबित की कि ये तो पार्टिकल का बिहेवियर है कि एक पार्टिकल जाकर जब पार्टिकल से टकराता है तो इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी में लॉस आता है और टारगेट पार्टिकल की एनर्जी में गेन आता है। बिल्कुल इसी तरह एक फोटॉन जब एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो फोटॉन की एनर्जी में लॉस आता है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में गेन आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फोटॉन बिहेव लाइक अ पार्टिकल, एक पार्टिकल नेचर है, लाइट में पार्टिकल है, एनर्जी के पैकेट्स हैं लेकिन वेव्स नहीं है। इस इफेक्ट में आइडिया नंबर टू जो रिजल्ट्स है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके रिजल्ट्स क्या है वो रिजल्ट्स आप एनालाइज करें। पहला रिजल्ट ये है कि द प्रोसेस इज कोलिजन, फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान इंटरेक्शन का जो प्रोसेस है वो एक कोलिजन है, जस्ट लाइक पार्टिकल एंड पार्टिकल। सेकेंड पॉइंट ये है कि इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस हो जाती है, फोटॉन की एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी ऑफ फोटॉन कम हो जाता है, और सेकेंड है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन भी लॉस हो जाती है क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेटेड है, तो एनर्जी भी लॉस हो जाती है। और थर्ड जो है याद रखिए कि वेवलेंथ ऑफ फोटॉन इंक्रीज हो जाता है क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। सो माय डियर स्टूडेंट, एनर्जी ऑफ फोटॉन कम कॉम्पटन इफेक्ट के प्रोसेस में, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन कम और वेवलेंथ ऑफ फोटॉन ज्यादा हो जाता है, ये मुख्तलिफ रिजल्ट्स हैं। इस टॉपिक के या इस प्रोसेस के दो मैथमेटिकल फॉर्म है, फ्रीक्वेंसी क्या और वेवलेंथ का। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय एम नॉट सी और वन माइनस कॉस ऑफ थीटा, इट इज इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ये टकराने के बाद का वेवलेंथ है फोटॉन का, ये टकराने से पहले का वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन का, सॉरी फोटॉन का। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्पीड ऑफ लाइट जानते हो, प्लैंक कांस्टेंट जानते हो, और ये एंगल ऑफ फोटॉन है, ये एंगल ऑफ फोटॉन जिस एंगल पर जाता है इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद, ये वो एंगल है। ये भी याद रखें कि h by m not c 1 minus cos of theta, इस पूरे वैल्यू की जो भी वैल्यू आती है उसका नाम रखा गया है कॉम्पटन शिफ्ट, इट इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट, इसको कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। फर्दर मोर पॉइंट नंबर फोर, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो इक्वेशन है वो क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट में इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो इक्वेशन है हमारे स्टूडेंट पॉइंट नंबर फोर वो ये है कि f डैश माइनस f इज h बाय m नॉट c स्क्वायर 1 माइनस cos ऑफ थीटा। वेवलेंथ के फार्मूले में सिर्फ c है, फ्रीक्वेंसी में c स्क्वायर बन जाता है, बाकी चीजें आप समझ गए हैं कि f डैश टकराने के बाद की फ्रीक्वेंसी है, f टकराने से पहले की फ्रीक्वेंसी है, h m नॉट और c जानते हो और थीटा इज एंगल ऑफ फोटॉन है, कॉम्पटन इफेक्ट का मैथमेटिकल फॉर्म इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके बाद है माय डियर स्टूडेंट्स पेयर प्रोडक्शन ऑप्शंस, यहां तक ये श्योर है और आई एम 99% श्योर कि इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन इन्हीं तीन टॉपिक से होंगे, मॉडर्न फिजिक्स से तीन चार क्वेश्चन आने का चांस है,
तो तीन चार क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आ सकते हैं, ऑप्शनल टॉपिक है जो सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा सा कनेक्टेड है सिलेबस में इन्वॉल्व टॉपिक से, और वो है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें एक न्यूक्लियस लिया गया और इस न्यूक्लियस के करीब से एक फोटॉन गुजारा गया। ऐसा फोटॉन था जिसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा थी। इसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा थी। जैसे ही ये फोटॉन न्यूक्लियस के करीब चला गया तो जैसे ही न्यूक्लियस को ये क्रॉस करने लगा उसी वक्त ये दो पार्टिकल में बदल गया, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, और दोनों जो है मोशन की हालत में थे। तो गोया पेयर प्रोडक्शन में फोटॉन क्या है? आप कहें सर इट इज अ प्योर पैकेट ऑफ एनर्जी, और फोटॉन इस प्रोसेस में डिसअपीयर हो गया, फोटॉन इस प्रोसेस में गायब हो गया और पार्टिकल यानी मास पैदा हो गया। सो पेयर प्रोडक्शन दुनिया में पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मास, एनर्जी से मास बन गया। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर पैदा होना बाय फोटॉन, द प्रोसेस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। इसमें कुछ शराइत हैं, कुछ क्वेश्चन है बोल लेता हूं, लिखना महाज है। न्यूक्लियस की गैर मौजूदगी में यह प्रोसेस नहीं होता। यही फोटॉन जिसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, अगर ये न्यूक्लियस के बगैर चलता जाए तो नॉर्थ से साउथ तक पहुंच जाए लेकिन पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पैदा ना करें, कन्वर्ट ना हो उसमें। वजह है न्यूक्लियस का जो प्रेजेंस है, द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस is because of law of conservation of momentum. Nucleus क्यों जरूरी है? Law of conservation of momentum, just like bullet and gun. अगर ये marker gun है और इसका ये head bullet है तो bullet का आगे जाना तभी होता है जब gun पीछे की तरफ recoil ले ले, क्योंकि आगे के मोमेंटम को पीछे का मोमेंटम बैलेंस करेगा, तो इनिशियल भी जीरो फाइनल भी जीरो। अब अगर ये गन ना हो तो ये बुलेट कभी भी फायर नहीं हो सकता आगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि फिर इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर नहीं होंगे। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दो बुलेट्स हैं, अगर ये बुलेट्स फायर हो गए हैं तो पीछे किसी मास को इसके मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए मोमेंटम चाहिए। यानी इस न्यूक्लियस का काम गन की तरह है और ये रिकॉइल करके इनके मोमेंटम को बैलेंस कर लेता है और इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर रह जाते हैं। सो द एग्जिस्टेंस द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इज कंपल्सरी इन दिस प्रोसेस बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि इस प्रोसेस में फोटॉन की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो नहीं होता प्रोसेस, ज्यादा हो तो होगा, उसकी वजह क्या है? क्योंकि E is equal to mc square में अगर आप इलेक्ट्रॉन का मास पुट करें तो एनर्जी आती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉन के वजूद को हासिल करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो इतना वजूद पॉजिट्रॉन का भी है, उसके लिए भी 0.51 चाहिए, तो टोटल 1.02 बन जाएगी, और 1.02 से तो दोनों के वजूद बन जाएंगे, ये तो मोशन भी करते हैं आफ्टर प्रोसेस, तो मोशन के लिए 1.02 से कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, इसीलिए पेयर प्रोडक्शन 1.02 से ज्यादा से होता है, कम से नहीं होता। थ्योरेटिकली हम कहते हैं कि 1.02 से भी होगा लेकिन प्रैक्टिकली 1.02 से भी नहीं होता, क्योंकि जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाए तो इनका मूव करना लाजमी है, और 1.02 से सिर्फ इनका वजूद बनेगा, मोशन के लिए इनके पास एनर्जी नहीं होगी। सो इसलिए प्रैक्टिकली रिक्वायर्ड एनर्जी इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, और जितना ज्यादा होगा वो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। पेयर इनहेलेशन इज द रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। जब साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को दोबारा मिलाया तो एक बार फिर ये अपने अपने फोटॉन में कन्वर्ट हुए और दोनों फोटॉन आपस गए। सो
अगर पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिलाओ और फोटॉन पैदा करो, द प्रोसेस इज पेयर इनहेलेशन। और अगर फोटॉन न्यूक्लियस के करीब से गुजार कर पार्टिकल में कन्वर्ट करो, द प्रोसेस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। इसका पार्टिकल नेचर ऑफ लाइफ से कोई खास ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी ऑन द बाउंड्री टॉपिक है, सो इसलिए ऑप्शन है एक बार ये तीन चार बातें पढ़ लें। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर डी ब्रॉगली आइडिया, सिर्फ एक ही बात है। डी ब्रॉगली ने कहा कि जब एक पार्टिकल है और ये रेस्ट में है, आइडिया बताता हूं बस बात खत्म, सिर्फ एक फार्मूला है वो याद रखिए, रेस्ट में है तो इसके अंदर नो वेव, कोई वेव नहीं होगा। व्हेन अ पार्टिकल इज एट रेस्ट देयर विल बी नो वेव एंड नो वेवलेंथ, एंड नो वेव मीन के वेवलेंथ जीरो रहेगा। लेकिन इसने कहा कि यही पार्टिकल अगर मोशन अडॉप्ट करे, अगर ये किसी स्पीड वी से मोशन करे, तो अब इसके वजूद में आपको वेव्स मिलेंगे और इसके नेचर में वेव नेचर आने लगेगा, और इन वेव्स का जो वेवलेंथ होगा वो एच बाय एम वी होगा। एच इज प्लैंक कांस्टेंट और एम इस पार्टिकल का मास है जो मोशन में है, और वी इस पार्टिकल का स्पीड है, यानी जितना ये तेजी से मूव करेगा उतना कम वेवलेंथ वाले वेव्स पैदा होंगे इसके वजूद में, और अगर ये स्लो मूव करेगा तो इसके वजूद में या इसके मास से पैदा होने वाले वेव्स का वेवलेंथ ज्यादा होगा। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं, एंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ पार्टिकल। ये भी याद रखिए कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक फार्मूला है एच डिवाइड बाई 2m काइनेटिक एनर्जी। m is mass of the body, particle or kinetic energy, ये in terms of kinetic energy है और ये in terms of speed है, speed के साथ inverse है और kinetic के root के साथ inverse relation है de Broglie wavelength का। de Broglie के मुताबिक जितना ये speed बढ़ेगा उतना wavelength reduce होगा, wavelength reduce होगा, कम wavelength वाले waves इसके वजूद में पैदा होंगे, and so on and so on। ये था जनाब the full material of syllabus of modern physics। अब कुछ क्वेश्चंस आपके नाम करता हूं, MCQs of modern physics। क्वेश्चन नंबर वन आपके लिए जल्दी जल्दी, दैट अगर मैं कहूं कि फर्ज करो इट इज अ ग्राफ और यहां पर मैं ले लूं फ्रीक्वेंसी, यहां फ्रीक्वेंसी ले लूं और इधर ले लूं क्वेश्चन मार्क, और मैं कहूं कि ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ है, सो इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द अननोन क्वांटिटी, ये जो अननोन क्वांटिटी है ये कौन सी है? ऑप्शन ए इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी इट इज नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। आखिरी दो तीन चार क्वेश्चन करते हैं बस वाइंड अप करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी इट विल बी वेवलेंथ ऑफ फोटॉन, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो इसका आंसर क्या होगा? आप कहे सर ग्राफ बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, लेकिन ये वाली क्वांटिटी जो भी है वो कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल ग्राफ इन कांस्टेंट। अब काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के ज्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वेवलेंथ का इनवर्स है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी होता तो ग्राफ ऐसे बनता, अगर वेवलेंथ होता तो ग्राफ ऐसे बनता। सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी से कोई रिलेशन नहीं है, लिहाजा माय डियर स्टूडेंट यहां ये क्वेश्चन मार्क जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू फॉर यू पीपल, आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर टू है, दैट इफ टू रेज ऑफ लाइट having same size of photons as 30 and 60, then दो rays of light है उनमें same size of photon है, लेकिन एक में 30 है एक में 60 है, तो कौन सा option ठीक है? Wavelength of one is double of wavelength of two, frequency of one is double of frequency of two,
और ऑप्शन सी इंटेंसिटी ऑफ टू इज डबल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वन और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आप कहें सर जब साइज ऑफ फोटॉन सेम है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो सेम है, लिहाजा पहले दो ऑप्शन गलत है। लॉजिकल बंदे हो तो जब दो गलत है तो ऑल गलत है, यही ठीक है। अब ये क्यों ठीक है? क्योंकि इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन पे डिपेंड करता है और नंबर ऑफ फोटॉन पहले में 30 है, दूसरे में 60 है, तो दूसरा जो है वो पहले के डबल है, दूसरा पहले के डबल है, तो आई टू इज डबल ऑफ आई वन। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं आपसे। अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर थ्री, अगर मैं कहूं कि कॉम्पटेंस इफेक्ट कैन कन्वर्ट डैश फोटॉन टू डैश फोटॉन, कौन से फोटॉन को किस फोटॉन में कन्वर्ट करता है? ऑप्शन ए रेड टू ब्लू, ऑप्शन बी रेड टू ऑरेंज, ऑप्शन सी रेड टू ऑरेंज और ऑप्शन सी ब्लू टू ऑरेंज और ऑप्शन डी ऑरेंज टू वायलेट, कौन से फोटॉन को किस में कन्वर्ट करता है? आपको पता है कि कॉम्पटन इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डिक्रीज होती है। और आप जानते हैं कि रेड की फ्रीक्वेंसी कम है और ब्लू की ज्यादा है, तो कम को ज्यादा नहीं, ज्यादा को कम करता है, तो ये ऑप्शन गलत। इसी तरह ये भी गलत, करेक्ट ऑप्शन ब्लू टू ऑरेंज है, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और ऑरेंज की फ्रीक्वेंसी कम होती है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करूं, क्वेश्चन नंबर फोर, और क्वेश्चन नंबर फोर है माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ? डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए करेक्ट इक्वेशन क्या है? ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन ए दैट वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, और ऑप्शन सी वेवलेंथ इज डायरेक्टली टू द रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ऑप्शन डी वेवलेंथ इज इनवर्सली टू द रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आप समझ गए हैं, अब ये भी मैंने डिस्कस किया, स्पीड के साथ इनवर्स है, डायरेक्ट नहीं, काइनेटिक के रूट के साथ रिलेशन है, काइनेटिक के साथ नहीं, डायरेक्ट नहीं है, काइनेटिक के रूट के साथ कौन सा रिलेशन है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का काइनेटिक के रूट के साथ इनवर्स रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर फाइव, है कि अगर मैं आपसे कहूं 1.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटॉन इट इज यूज्ड इन पेयर प्रोडक्शन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? सो ऑप्शन ए इट विल बी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑप्शन सी इट विल बी 2.08 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का फॉर्मूला याद रखें कि फोटॉन इज इक्वल टू 1.02 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वेशन है इसका। तो काइनेटिक एनर्जी मालूम कर रहे हो, इट इज इक्वल टू फोटॉन माइनस 1.02 और फोटॉन है 1.04 माइनस 1.02, सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द पार्टिकल कंबाइंड इज 0.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। मॉडर्न फिजिक्स के मैंने की ऑलरेडी शेयर की है, लेक्चर के बाद आप QCA बुक का चैप्टर 18 के MCQs विद सॉल्यूशन देखें, इंशाल्लाह आपको हेल्प मिलेगी। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।